संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार मैं हूँ संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में हम बात करेंगे दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत चाकूबाजी के मामले की। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत धर्मपुरा वार्ड नंबर 39 से चाकूबाजी का मामला सामने आया है। दो दुकानदारों के ऊपर चाकू से हमला किया गया, घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। वहीं पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। बताया जाता है रवि प्रजापति नाम के युवक के द्वारा गोपाल सेन और कुंजी प्रजापति के ऊपर चाकू से हमला किया गया। घायलों का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। किस वजह से चाकूबाजी हुई इस बात की जानकारी घायलों को नहीं है। वह अपनी दुकानों में थे। इसी बीच रवि प्रजापति वहां पहुंचा जिसके द्वारा चाकूबाजी की गई है। पुलिस में FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। प्रजापति धर्मपुरा वार्ड 39 से है। ये कौन है आपका? ये हमारे बड़े भाई साहब हैं। क्या हो गया है इन्हें? हम लोग तीन दो दुकान पे हैं। एक अपनी किराने की दुकान पे थे, जब अपने दवाई की दुकान पे थे। सो वो घेर के आया रवि प्रजापति, वही का रहने वाला है। उसे एकदम दो चक्कू मारी दो नहीं जिससे। किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ना कोई लेना देना है कि नहीं, कुछ नहीं बिल्कुल। क्या करता है, कहाँ का रहने वाला? वो हमारे मोहल्ले का। गोपाल सेन अपनी दुकान में बैठे थे तभी उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया। वहीं दो लोग बीच बचाव करने पहुंचे थे जिनके लिए भी मामूली चोटें आई हैं। घायलों का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? हम धर्मपुरा वार्ड नंबर 39 से आए हैं। क्या नाम है आपका? संगीता सेन नाम है। ये कौन है आपके? हमारे पति हैं जो गोपाल सेन। क्या हो गया है इनको? इनको जो है ना रवि प्रजापति, इसने दुकान में पड़ के चक्कू मारा है इनको। किस बात को लेकर मारपीट? कुछ कोई बात नहीं है सर। 3 महीने पहले इसके बाप ने हमारे घर में पेटी रखी थी सोने चांदी से भरी, और उसके बाद जो हमारे घर में पड़ के बोला हमारी पेटी तुम लोगों ने उठा ली। हम लोगों ने पेटी वेटी कुछ नहीं उठाई, और हमने ये भी बोला सर इनसे कि ये पेटी ये है कि किसकी है, आप उठा लो यहाँ से। इसने सर 3 महीने पहले जो हमारे घर आया चोरी छुपे, इसने क्या बोला की कोशिश कर। हमने बोला तुम्हारे घर में बहू बेटी नहीं है क्या? कहाँ का रहने वाला है? वही का है सर, मोहल्ले का। क्या करता है ये? कुछ नहीं करता है, खेती बाड़ी है, और इसके लड़के की कपड़े की दुकान है, बस इतना। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद ही स्पष्ट